रामचरितमानस में राम जी की पांच लीलाएं प्रमुख हैं। वो पांचों लीलाओं को सफल कराने में भगवान शंकर की भूमिका है। प्रधान रूप से भूमिका भगवान शंकर की है। जैसे प्रथम लीला कौन है, पांच लीलाओं में पहली लीला कौन है, एक एक लीला का वर्णन मैं कर रहा हूं। पहली लीला है जन्म लीला। बोलो भैया है कि नहीं? राम जी की पहली लीला कौन है? कीजे शिशु लीला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये जन्म लीला। तो जन्म लीला में भगवान शंकर आए और एक कहो निज चोरी ओ सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी काग भूषण संग हम दो ओ मनुज रूप जाने नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले ओ बीतन फिरही मगन मन भूले परमानंद प्रेम सुख फूले बीतन फिरही मगन मन भूले। गलियों में घूम रहे कागभूषुंड जी के साथ भगवान शंकर, क्योंकि जन्म लीला का आनंद लेना चाहते हैं। जन्म लेते ही भगवान शंकर कागभूषुंड जी को लेके पहुंच गए। इसका मतलब है जन्म लीला में शामिल हो गए। जन्म लीला के बाद में दूसरी लीला है विवाह लीला। ये दूसरी लीला हुई विवाह लीला। और तीसरी है वन लीला। ठीक है ना? कौन सी लीला है तीसरी? वन लीला। और चौथी है रण लीला भगवान राम की। और पांचवी है राज्य लीला। क्यों हो गए ना पांच? पांचों लीलाएं नाम गिना दिया ना, जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। ये पांच लीलाएं हैं। कुछ विद्वानों का मत है एक छठवी लीला और है स्वधाम गमन लीला। चलो भाई उसे भी मान लो, लेकिन हम तो पांच लीलाओं की बात करते हैं। राज्य लीला, राज्य लीला तक मानते हैं। इसके बाद तो भगवान, मैं तो कहता हूं कहीं नहीं गए। भगवान अयोध्या में है, भगवान चित्रकूट में है और भगवान गोविंद नगर नदी गांव में, कहीं नहीं गए। हम क्यों कहें कि भगवान यहां गए वहां गए, है नहीं? अब जिनको व्याख्या करनी हो कि भगवान साकेत चले गए, सरयू जी में प्रवेश करके चले गए, तो भैया चले गए तो आपने देखा होगा, हमने तो जाते नहीं देखा। हमने जाते नहीं देखा तो हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं राम जी। क्यों भैया हैं कि नहीं? लोग कहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हम का क्या करें, जब मोतिया बिंद आ गया आंखों पर तो कैसे दिखाई दें? पहले ऑपरेशन तो कराओ। कहे ऑपरेशन कहाँ है? हमने कहा चले जाओ हरिशंकरी माता के आस्था मंच पे, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, उसमें पहुंच जाओ, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, तुरंत राम जी दिखाई देंगे। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए ये दिव्य ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर जो वासना का मोतियाबिंद आंखों पे चढ़ा हुआ है उसका ऑपरेशन हो रहा है कथा के माध्यम से। अब निश्चित रूप से भगवान दिखाई देंगे, कन्फर्म दिखाई देंगे, विश्वास की जरूरत है। तो भगवान शंकर हैं साथ में। पुष्पवाटिका में भगवान शिव, लेकिन शिव जी हैं किस भेष में? शिव जी हैं चतुर सखी के भेष में। एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी, ओ गई रही देखन फुलवारी, तह तो बंधु बिलोके जाई, ओ प्रेम विवश सीता पहियाई, तह दो बंधु बिलोके जाई, ओ प्रेम विवश सीता पह आई।
ये भगवान शंकर हैं। आप कहो शंकर जी डमरू लेते हाथ में, त्रिशूल लेते हाथ में, सर्पों की माला पहने होते गले में, शरीर में श्रृंगार होता सर्पों का, भभूत रमाए होते। आप कह रहे शंकर जी थे, यहां तो बढ़िया साड़ी पहनी, सुंदर नथनी, क्यों भाई, कर्ण फूल, बाजू बंद, जाने कौन कौन बंद होते हैं तमाम आभूषण होते हैं ना, तो यहां तो श्रृंगार युक्त, ये कौन, ये तो सखी लग रही है, ये कहां शंकर जी हैं। एक बात आपको बताएं, जब भस्मासुर को वरदान दिया था भगवान शंकर ने और भस्मासुर पीछे पड़ गया शंकर जी के, तो भगवान नारायण ने विश्वमोहिनी का रूप बनाया था कि नहीं, जल्दी बोलो, बनाया था कि नहीं, वहां भी श्रृंगार करके आए थे कि नहीं आए थे। और श्रृंगार करके ही नहीं आए भगवान नारायण, बल्कि नाचे भी बहुत अच्छा, इतना बढ़िया कथक नृत्य किया कि भस्मासुर मोहित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो भस्मासुर कहता है कि ये नाच में हमेशा देखता रहूं, तुम मेरे सामने रहोगी? कहे नहीं, कभी कभी जाना पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें सिखाए देते हैं, तो तुम सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि भस्म करना था ना उसे। और शंकर जी ने वरदान दे दिया था कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा, तेरा हाथ जिसके ऊपर पड़ जाएगा भस्म, क्यों भाई, वही भस्म, तेरा हाथ जिसके ऊपर आ जाए। अब भगवान कहते हैं विश्वमोहिनी के रूप में नचते हुए कि देखो, समय समय पर तो मैं नच सकती हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नचती रहूं, थोड़ा तुम भी नाच सीख लो। कहे कैसे? कहे सिर पे हाथ रखो। अब वो तो पागल हो गया था भस्मासुर, और सीधा उसने जैसे हाथ रखा यूं, और भस्म, उसको तो भस्म ही करना था, और भस्म तुरंत। तो कल्पना करो आप, अर्थ ये है कि भस्मासुर को भस्म करने के लिए भगवान विष्णु ने विश्वमोहिनी का रूप बनाया कि नहीं बनाया, नारी बन के आए कि नहीं आए। तो जब भगवान शंकर के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान नारायण, भगवान विष्णु विश्वमोहिनी बन सकते हैं, एक सुंदरी बन करके आ सकते हैं, तो बताओ भाई, भगवान शंकर भी जब भगवान राम के विवाह की बात आएगी और सीता राम के मिलन की बात आएगी, तो ईमानदारी से बताओ, अगर राम जी हमारे विष्णु भगवान जब शंकर जी को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को रखने के लिए विश्व मोहिनी बन सकते हैं, तो सीता राम के विवाह के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान शंकर भी मिथिला में परम सुंदरी और परम चतुर सखी के रूप में प्रकट हो गए, चतुर सखी के रूप में परम सुंदरी बनकर के प्रकट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ये तो लेने और देने का व्यवहार चलता है कि नहीं भाई, आपने मुझे दिया, मैंने आपको लौटा दिया, इसलिए ये व्यवहार है आपस का। तो भगवान शिव भी सीताराम जी के विवाह के अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि ना तो मिथिला, ना तो अयोध्या पक्ष का कोई समाज का व्यक्ति था, अरे मिथिला की मिथिलानियां भर थी, लेकिन अयोध्या से तो कोई नहीं गया था, राम जी अकेले गए। तो ईमानदारी से बताओ, शंकर जी महाराज दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, अयोध्या की भी और मिथिला की भी, इसलिए परम सती, परम सखी बन करके, चतुर सखी बन करके और विशेष श्रृंगार करके भगवान शंकर आज पुष्पवाटिका में प्रवेश कर गए। और पुष्पवाटिका में प्रवेश किए तो सभी सखियां गई हैं गौरा जी के पास सीता जी को लेके, लेकिन जो भगवान शंकर चतुर सखी एक सखी के रूप में है, वो गौरा जी के पास नहीं गए। इसलिए एक सखी सिय संग बिहाई, बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ये फुलवगिया देखने नहीं गई थी, फिर ये फुलवगिया देखने नहीं गई थी, ये तो शंकर जी हैं, ये देखने गए थे कि प्रभु राम आए कि नहीं आए। तो किसी ने उस
सखी से कहा कि तुम कैसी हो हटीली कि अलग हट गई हो, साथ में जाना चाहिए था। जैसे ही कहा तो अपना असली रूप थोड़ा दिखाया शंकर जी ने, उसको देखने वाले को, कहने वाले को अपना असली रूप दिखाया। और जैसे ही दिखाया, ओहो, उसने तुलसीदास जी से कहा, कहे गजब हो गया, इसलिए ये सखी नहीं गई गौरा मंदिर में, क्योंकि शंकरई जी हैं सखी भेष में, तो सारी दुनिया करे पूजा गौरा जी की, शंकरउ जी करे पूजा। क्यों भाई? भाई सारी दुनिया गौरा जी का पूजन करे, लेकिन शंकर जी भी करें गौरा जी का पूजन। और अगर शंकर जी गौरा जी का पूजन कर देते तो बोलो यही परंपरा चल जाती कि नहीं चल जाती? और तुम लोगों को मानना पड़ता कि नहीं मानना पड़ता? रोज शाम को अगरबत्ती लिए पत्नी के पीछे घूमते, आरती करवा ले, तुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है? क्यों भाई? सारी परंपरा तहस नहस हो जाती। बोलो हो जाती तहस नहस की नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान शिव ने मर्यादा का ध्यान रखा और चतुर सखी के भेष में भगवान राम के पास पहुंच गए और उधर किशोरी जी से कह दिया, मिलन देखो यहां सीता राम का मिलन है। लेकिन यहां किशोरी जी ने दिया क्या राम जी को? प्रथम प्रथम मिलन में क्या दिया और राम जी ने क्या दिया? आहा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। दो चौपाइयां, एक जानकी जी के लिए लिखी तुलसीदास जी ने और एक राम जी के लिए लिखी। इन चौपाइयों से अर्थ लगा लेना कि क्या किशोरी जी दे रही हैं और क्या राम जी दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, किशोरी जी ने देखा राम जी को तो अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद ससही जन चितव चकोरी। किशोरी जी ने जैसे ही देखा तो अपने मन को चकोरी बना लिया। क्या बना लिया? चकोरी। मन को क्या बना लिया? मन को चकोरी बना के दे दिया। अब जब मन को चकोरी बना के दिया, अच्छा भैया, लड़की अगर लड़के को अंगूठी पहनाती है तो लड़का भी लड़की को अंगूठी पहनाता है बदले में, यही परंपरा है कि नहीं? अब पहले कौन पहनाते हैं ये हम नहीं जानते, ये हमारा विषय नहीं है, है नहीं? अच्छा तुम लोग बताओ पहले कौन पहनाता है, क्या नियम है? बोलते क्यों नहीं? संकोच क्यों कर रहे हो? तुम तो भुक्त भोगी बैठे हो, तो संकोच करने की क्या जरूरत है, है ना? लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। किशोरी जी ने देखा तो अपने मन को दिया, मन को दिया, ठीक है ना? कोई आभूषण नहीं दिया। मन से बड़ा कीमती आभूषण कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन मन को तो दिया, लेकिन क्या बना के दिया? मन को चकोरी बना के दिया। चौपाई का प्रमाण है भाई, रामायण में जो लिखा है वो बात मैं कह रहा हूं। अधिक स्नेह देह भई भोरी, ओ शरद ससही जन चितव चकोरी। अपने मन को चकोरी बना के दे दिया। अब भगवान राम ने कहा कि मुझे भी प्रथम प्रथम मिलन में कुछ देना चाहिए सीता को, क्योंकि सीता ने अपने मन को चकोरी बना करके मुझे दे दिया है, तो अब मुझे क्या देना चाहिए? तो अस कहे फिर चितई तही ओरा, ओ सिया मुख ससि भय नैन चकोरा। राम जी कहते अगर सीता ने अपने मन को चकोरी बना करके मुझे दिया है तो राम भी अपने मन को चकोर बना करके सीता को दे रहा है। तो बोलो आदान प्रदान हो गया लेने देने का कि नहीं? हो गया ना। राम जी क्या बन गए? अपने मन को चकोर बना दिया, सीता जी ने अपने मन को चकोरी बना दिया। इसलिए लेना देना कितना बढ़िया लेना देना हुआ। बोलो एक दूसरे के मन को दे दिया, इसलिए दोनों ने, एक ने चकोरी बनाया और एक ने चकोर बनाया। अब यहां किशोरी जी अपने मन
मैं ये संकल्प लिए खड़ी है कि मैं माला पहना दूं, पूरा पूरा मन है, क्योंकि स्वयंवर हो गया कि नहीं हो गया बोलो। अगर मन चकोरी हो गया और राम जी का मन चकोर हो गया तो क्या हुआ जल्दी बोलो, हो गया स्वयंवर कि नहीं? अगर सीता जी का मन चकोरी होता और राम जी का मन चंद्र होता तो फिर परिणय नहीं होता, स्वयंवर कहाँ होता? क्योंकि चकोरी चकोर का वर्ण कर सकती है, चकोरी चंद्रमा का दर्शन तो कर सकती है, लेकिन परिणय बंधन में चकोरी चंद्र के नहीं बंध सकती है। ये नियम है, बोलो है नियम कि नहीं? केवल मन समर्पित कर देगी प्रेम जीवन निच्छावर, लेकिन परिणय बंधन में नहीं बंध सकती। चकोरी अगर परिणय बंधन में बंधेगी तो किसके? चकोर के, ना कि चंद्र के। तो यहां पर रामचंद्र तो है, लेकिन भगवान राम ने अपने मन को बदल दिया, चंद्र के रूप में नहीं, राम जी ने चकोर के रूप में अपने मन को सीता को दे दिया, चकोर बना करके दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? अब क्या हो गया यहां? ये स्वयंवर हो गया ना, स्वयंवर। लेकिन प्यारे स्वयंवर तो हो गया, अब माला पहनानी है किशोरी जी को। लेकिन सुनत जुगला कर माल उठाई, ओ प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम के कारण, प्रेम की विवशता के कारण नहीं पहना पा रही हैं। मन तो पहले ही दे चुकी हैं, बोलो मन पहले दे दिया है, मन पहले दे दिया है। जब पहले मन दे दिया, अब माला नहीं पहना पा रही हैं, क्या करें? शंकर जी चतुर सखी के भेष में पीछे खड़े हैं। अब एक बात बताएं आपको, शंकर जी तो राम जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। भले ही मिथिला के लोग ना पहचान पा रहे हो कि ये शंकर जी हैं, तो श्रृंगार भले ही सखी का किए हैं शंकर जी, लेकिन राम जी पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? बोलो पहचान रहे कि नहीं? एक बात आपको बतावें, पर्दे के पीछे जिसने मेकअप किया है, वो मेकअप वाला जानता है कि साड़ी भले ही जनानी पहने हैं लेकिन है तो मर्दानी, साड़ी भले ही जनानी लेकिन मेकअप तो मैंने किया, मैं जानता हूं कि कौन है ये। क्यों भाई? मैं जानता हूं, मेकअप तो मैंने किया, मैं जानता हूं कि कौन व्यक्ति है, लेकिन रोल कर रहा है जनाना, महिला का रोल कर रहा है, लेकिन व्यक्ति मर्दाना है लेकिन रोल जनाना है, क्योंकि मेकअप तो मैंने किया है। इसलिए मेकअप करने वाला जानता है कि पर्दे के पीछे ये व्यक्ति कौन था, मैंने मेकअप किया। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि मिथिला वाले लोग भले ही ना समझ पा रहे हों, लेकिन भगवान राम कहते हैं ये भोले बाबा हैं, हम जानते हैं, मेकअप करके आए हैं, ओ मेरे कहने से ही मेकअप हुआ है इनका। भोले बाबा ने इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ। चतुर सखी के वेश में पीछे, सीता जी के पीछे जो सखी थी वो शंकरी जी थे, कहे आप थोड़ा सा झुक जाओ। तो अब आवाज तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े कानों में पहुंच ही ना गई, पहुंच गई आवाज लक्ष्मण जी के कान में, जैसे ही वो चतुर सखी शंकर जी चतुर सखी बने थे, इशारा किया कि आप थोड़ा सा झुक जाओ क्योंकि माला पहना नहीं पा रही है किशोरी जी, थोड़ा सा सिर झुका लो तो पहना देंगे। तो भगवान राम ने मूड बनाया कि मैं झुक जाऊं, तो तुरंत लक्ष्मण जी बोले भैया झुका झुकी नहीं होगी, झुका झुकी नहीं होगी। अब भगवान राम ने जब सुन लिया कि लक्ष्मण बड़े तीव्र स्वर में बोल रहा है कि भैया और सब होगा लेकिन झुका झुकी नहीं होगी, पीछे से सखी बोली, वही शंकरी जी बोले चतुर सखी, अरे छोटे ठाकुर जरा समझने की कोशिश किया करो, झुकेंगे नहीं तुम्हारे भैया तो माला कैसे पहन पाएंगी जानकी जी? माला पहनने के लिए झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले बड़े बड़े राजा आए, धनुष को हिला नहीं पाए, वो अकड़े मकड़े बैठे, वो हमारे भैया ने धनुष भी तोड़ा और झुके भी। ये कहां की नीति है? ये मिथिला वालों की नीति अच्छी नहीं है, हमें पसंद नहीं है, विवाह हो चाहे ना हो लेकिन झुका झुकी नहीं होगी। अब भगवान राम मन ही मन सोच रहे कि
भरत आया होता साथ में तो ठीक ही रहता, लेकिन क्या बतावे, ये नहीं जानते थे कि इतना लंबा प्रोसीजर मिथिला में हो जाएगा। ये माना नहीं, बोल गया। अब इसको कौन समझावे? अब राम जी दूल्हा का रोल अदा कर रहे हैं, अब राम जी हमारे दूल्हा का रोल अदा कर रहे हैं, तो दूल्हा वही है जो ज्यादा बोले ना, क्यों भैया? उसी को दूल्हा, दूल्हा गंभीर होता है ना, चाहे जितना बोलक्कर लड़का क्यों ना हो, लेकिन जब दूल्हा बनता है तो बिल्कुल साइलेंट, एकदम सीधा बिल्कुल, और लगता है बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन विवाह के बाद देखो उसका कमाल फिर क्यों भाई लेकिन उस समय बिल्कुल सरेंडर रहता है, क्यों भाई? सरेंडर रहता है, लोग कहते आह बड़ा सीधा साधा है। अब भगवान राम दूल्हे के भेष में हैं, दूल्हा का रोल अदा कर रहे हैं, तो राम जी कैसे बोलें लक्ष्मण से और कैसे समझावें, क्योंकि उस समय बोलना मना है। लेकिन भगवान राम ने थोड़ा सा गुरुजी की ओर देखा ऐसे ऐसे कि धनुष भी आपने तोड़वाया तब मैंने तोड़ा, आप ही के कहने से तोड़ा। अब ये लक्ष्मण कैसे माने, इसके लिए आपके पास उपाय जो हो करिए, क्योंकि आप ही उपाय कोई दे सकते हैं कि जिससे लक्ष्मण मान जाए और लक्ष्मण अपनी भूमिका को बदल दे। जैसे ऐसे देखा, गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने तुरंत इशारा किया, राम भद्रजू आप तो जयमाल की तरफ देखो, बस इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, जयमाल देखो। सही बतावें आपको, ये माला है, भगवान के सामने आप माला लेके जाते हो तो भगवान माला को पहले देखते हैं। आपने नोट पानी निकाला, मिठाई उठाई निकाली, कलाकंद मोती कंद आनंद आनंद कंद, कोई मिठाई नहीं है, आनंद कंद तो खुदा ही है, क्यों भाई है नहीं? और आपने सब कुछ मिठाई का डिब्बा निकाला, पैसे निकाले, भगवान नहीं देखते हैं, माला को जरूर देखते हैं। क्यों? इसमें फूल है, सुमन है। भगवान कहते हैं आहा प्यारे, माला लेके आए हो सुमन, ये सुमन है, क्या इसी तरह से तुम्हारा मन भी निर्मल है? जैसी माला लेकर के मेरे सामने आए हो ऐसा ही तुम्हारा मन है, बस इसी तरह से अपना मन बना लो तो हम तुम्हारी माला स्वीकार करने को तैयार हैं। तो मन इस तरह का होना चाहिए जैसे पुष्प निर्मल होते हैं, पवित्र विचारधारा इनकी रहती है, क्योंकि ये सुगंध भी देते हैं, इनकी विचारधारा बोलो फूल की दुर्गंध देने की है, सुगंध देने की है, सुगंध देने की है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, इनमें कठोरता है कि कोमलता है, जल्दी बोलो, इनमें कोमलता है कठोरता तो नहीं है? मैं एक बात कहता हूं, पुष्प जिसमें लगा है वो भले ही कठोर हो सकता है, लेकिन जब उस वृक्ष ने पुष्प को जन्म दे दिया, उस पौधे ने पुष्प को जन्म दे दिया, तो पौधा भले ही कठोर हो लेकिन उसने कूट कूट करके निर्मलता के और विनम्रता के संस्कार पुष्प को प्रदान कर दिए हैं। प्यारे, आज वो पुष्प भगवान के चरणों तक पहुंचने का अधिकारी बन गया, बोलो बन गया कि नहीं? और समाज में सम्मान लेने का अधिकारी बन गया। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारा स्वभाव चाहे जैसा हो, तुम्हारे स्वभाव में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी संतान के स्वभाव में परिवर्तन विनम्रता के जरूर भर देना प्यारे, जिससे सुमन की तरह वो सुगंधी फैलाए समाज में और संसार में, ये इसका अर्थ होता है। इसलिए आज माला लिए खड़ी है किशोरी जी। शंकर जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को कि छोटे ठाकुर अकड़ो मकड़ो नहीं, ये माला पहना पाएंगी जानकी जी तभी जब तुम झुकोगे, तुम्हारे भैया राम सिर झुका लेंगे तभी जानकी जी माला पहनाएंगे। विश्वामित्र जी ने तुरंत लक्ष्मण को टोका, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी तुरंत गए विश्वामित्र जी महाराज के पास, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपना सिर झुकाया विश्वामित्र जी के चरणारविंदों में, तो विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, कान में लग के कहा, क्योंकि सिर झुकाए चरणों में, तो ऐसे झुक के कान में लग के कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज, लक्ष्मण तुम कर्तव्य भूल गए हो क्या?
कर्तव्य बोध नहीं है तुम्हारे जीवन में, और जिसके जीवन में कर्तव्य बोध नहीं होता है वो समाज में रहने के लायक नहीं होता। कर्तव्य बोध नहीं है, ना तुम परिवार में रहने के लायक हो, ना तुम समाज में रहने के लायक हो। इसलिए कर्तव्य बोध होना चाहिए। कर्तव्य बोध तुम भूल गए हो क्या? अब लक्ष्मण जी कांपें कि गुरुजी डांट रहे हैं, कर्तव्य बोध कैसा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान राम ने कहा तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हारे भैया ने अगर वज्र से कठोर धनुष तोड़ा है तो ये विरोधी राजा भले ही सम्मान न करें, लेकिन तुम तो छोटे भाई हो, इतना बढ़िया कार्य किया है तुम्हारे भैया राम ने, ऐसे यशस्वी राम भाई के रूप में तुम्हें मिले, ऐसा भाई दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। लक्ष्मण ये तेरे जीवन का सौभाग्य है जो राम जैसा भाई तुझे मिला है। संसार में इतना बड़ा कार्य किया आज तक कोई कर नहीं पाया, ये विरोधी राजा तो क्यों झुकेंगे, क्यों सम्मान करेंगे, क्यों वंदन करेंगे, क्यों अभिनंदन करेंगे। लेकिन तुम्हें तो कर्तव्य बोध होना चाहिए था कि जैसे ही धनुष टूटा था वैसे ही तुम्हें चरणारविंदों में साष्टांग गिर जाना चाहिए था। लक्ष्मण जी बोले भूल तो हो गई। विश्वामित्र जी बोले सुधार कर लो, अभी बिगड़ा क्या भाई, अभी बिगड़ा क्या, अभी तो तुम सुधार कर सकते हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधार करो। कह सुधार क्या है, बोले जाओ सीधे साष्टांग चरणों में गिर जाना और कहना भैया भूल हो गई मुझसे, बहुत पहले मुझे आपके चरणों में गिर जाना चाहिए था, जिससे जनकपुर वासी नहीं 33 करोड़ देवता भी देखें, सारी दुनिया देखे कि देखो ये आदर्श छोटे भाई लक्ष्मण के जीवन में है कि भरे समाज के अंदर इतना बड़ा कार्य अगर बड़े भाई ने किया है तो साष्टांग प्रणिपात कर रहा है, वंदन अभिनंदन कर रहा है। ये सम्मान देना ये तुम्हारा परम धर्म है, यही कर्तव्य बोध होना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा गुरुजी, मैं जा रहा हूं, और सीधे का बस साष्टांग चरणों में गिर जाना, किसी की ओर देखना नहीं। लक्ष्मण जी गए भैया 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 कह के और सीधे चरणों में गिर पड़े, बिल्कुल साष्टांग। अब सखियां देख रही हैं बोली हो क्या गया, अभी तो ये छोटा ठाकुर अकड़ मकड़ रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सा डोज मिल गया इसको विनम्रता का कि सीधा आया तो सरेंडर ही हो गया। ओहो हो, इसका मतलब गुरु के वाक्य में बड़ी ताकत होती है। गुरु का वचन जो है विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। क्यों भैया, गुरु का वचन क्या पढ़ाता है, विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। इसलिए गुरु के समीप रहो, गुरु की वाणी अगर कान में पड़ती रहेगी तो विनम्रता का संचार होता रहेगा, क्योंकि विनम्रता का संचार होना बहुत आवश्यक है। ये गुरु वाणी का प्रभाव हुआ, जनकपुरवासी कहने लगे कि देखो तो आए जैसे ही शब्द सुन के वो तुरंत ही सरेंडर, सीधे गिर पड़े। अब जैसे भैया भैया कह के लक्ष्मण जी गिरे, और किशोरी जी माला लिए ही थी, विश्वामित्र जी ने कहा राम कौन पड़ा है तुम्हारे चरणों में, का छोटा भैया पड़ा है ना, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, पड़ा ही रहेगा चरणों में, छोटा भाई है, ये प्रेम की भूमि है मिथिला, तुम्हारा भी जन्म हुआ है अयोध्या में, वो भी प्रेम की भूमि है, और तुम स्वयं प्रेमा अवतार हो राम, मिथिला भी प्रेम की भूमि, प्रेम की नगरी है, अयोध्या भी प्रेम की नगरी है, तुम प्रेमा अवतार हो, प्रेम बरसा दो लक्ष्मण के ऊपर, प्रेम बरसा दो, उठा के हृदय से लगा लो, ये मेरी आज्ञा है। और जैसे ही भगवान श्री राम ने सुना कि गुरुदेव आदेश दे रहे हैं, तो प्रेमा अवतार प्रेम की भूमि पर खड़े थे, जैसे ही गुरु का उपदेश मिला तो लक्ष्मण को झुक के जैसे ही उठाने लगे, पीछे से शंकर जी ने कहा गोल्डन चांस है, अब जयमाल डाल दो, अब इससे बढ़िया और चांस मिलने वाला नहीं है। तो जैसे ही लक्ष्मण जी को झुक के राम जी उठाने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय सिया जयमाल राम उर्मे, उसी समय किशोरी जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी। अब जैसे ही जयमाल पड़ी, राम जी को लगा कि भाई पड़ा है उसको उठा के हृदय से लगा लें,
और जैसे भुजा पकड़ के उठा के हृदय से लगाया लक्ष्मण को, तो फूलों की माला लक्ष्मण जी के ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये माला कब गिरी? राम जी बोले, तुम गिरे और माला गिरी। हमें तो इतना ही अंदाज है कि तुम गिरे और माला गिरी। आहा, प्यारे भाई, भाई के प्रेम की मध्यस्थता माला कर रही है। माला का मतलब सुमन कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं? भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, इसका अगर प्रमाण पत्र लेना है तो पुष्पों से लो। किससे लो? पुष्पों से लो। पुष्पों की तरह सुगंधित जीवन हो जाए, विचारों में सुगंधी आ जाए, हृदय में कोमलता आ जाए, विचारों में सुगंधी आ जाए, तो भाई भाई सदा हृदय से जुड़े रहेंगे प्यारे। और जब भाई भाई सदा हृदय से जुड़े रहेंगे तो राम राज्य निश्चित आएगा। बोलो, आएगा निश्चित कि नहीं? आज भाई भाई जब जुड़ गए प्रेम से, हृदय से लग गए, तो बोलो भक्ति ने वरण कर लिया कि नहीं कर लिया? भक्ति मानी सीता जी। भक्ति मानी कौन है? सीता जी है। बोलो, सीता जी ने वरण कर लिया कि नहीं कर लिया? किसका? राम जी का वरण कर लिया। क्योंकि उठाया किसने था लक्ष्मण को? राम जी ने उठाया था। हृदय से किसने लगाया? बोले राम जी ने लगाया। तो याद रखना, जो भाई भाई में प्रेम करता है और जो गिरे हुए छोटे भाई को बड़ा भाई उठा के हृदय से लगाता है, उसी क्षण उसका वरण भक्ति महारानी कर लेती हैं। इसलिए भगवान श्री राम के गले में श्री किशोरी जी ने जयमाल डाली, राम और लक्ष्मण का हृदय भरा, भाव भरा मिलन हुआ। यहां किशोरी जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। गौतम तिय गति सुरति करि नहीं पर सत पद पान। अब जयमाल डालने के बाद प्रणाम की परंपरा है। बोलो, है प्रणाम की परंपरा कि नहीं? पत्नी किसको प्रणाम करती है? पति को करती है प्रणाम कि नहीं? अब पता नहीं करती है प्रणाम कि नहीं, पहले तो नियम था, करती है। यहां किशोरी जी भी प्रणाम करना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही झुकी प्रणाम करने के लिए, तो गौतम तिय गति सुरति कर नहीं पर सत पद पान। मन बहि से रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान।